हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस मैं हूँ आरडी इवेंट वाला और आज फिर हो चुकी एक नई सुबह और आज भी हमारा रॉयल विंडसर में एक प्रोग्राम। तो अभी हम निकल रहे हैं वहाँ के लिए रॉयल विंडसर के लिए। आप देख सकते हो पूरी तैयारी हमने कर दी है। ये देखो भाई अपना जा रहा है गाड़ी पे पेटी रखने बलून की। और ये देखो सामान कैसे फिलहाल का हमने हम कर रहे हैं। छोटा हाथी का वेट, अभी छोटा हाथी आने वाला अपना, तो लोडर उसमें डालेंगे सारा सामान और फिर उसके बाद हम निकलेंगे सीधे रॉयल विंडसर के लिए। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ रॉयल विंडसर की तरफ और आज है हमारा इवेंट वहाँ पे। और पता है मेरे छोटा हाथी पहले जा चुका है और मैं पीछे से कार लेके उससे पीछा कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा मुझे कहाँ गया पता नहीं। और ये देख सकते हो आप ITP वाली रोड, जैसे कि रोज यहीं से जाते हैं हम। और आज हमारे पास दो सरप्राइज हैं जो कि आपको मिलने वाला बड़ा खतरनाक वाला सरप्राइज है। मैं बहुत खुश हुआ, मेरी लाइफ में ना दो ड्रीम पूरे हो रहे हैं। तो आप सरप्राइज को बता देते हैं क्या है वो, क्योंकि यार बहुत दिन हो गए मैं सोच रहा था बताने की, बट बता नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने सोचा यार पहले हो जाए फिर बताऊंगा। पहली चीज़ कि आज मेरा गेमिंग लैपटॉप आ रहा है, जो मैंने मतलब बहुत टाइम से एक ड्रीम था यार कि चाहिए 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 चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए था पहले, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने भेज दिया था। तो आज मेरा नया लैपटॉप आ रहा है। और दूसरा सरप्राइज तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब क्या है बताऊँ, आज मेरी एक और नई गाड़ी आ रही है। तो फाइनली दोस्तों हमने एक स्विफ्ट और ख़रीद ली, हमारे बड़े भैया ने आज एक नई स्विफ्ट घर पे ला रहे हैं वो। तो फाइनली मेरे पास अब से दो दो गाड़ी होंगी, मज़ा आएगा। कभी हम आर्टिका चलाएंगे, कभी हम स्विफ्ट चलाएंगे। तो यार मैं बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि ना यार कभी मतलब एक गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी यार, तो साइकिल से चलते थे, वो भी साइकिल अपनी नहीं होती थी। तो यार फाइनली आज मतलब भगवान की कृपा से मतलब हो रहा है यार सब काम, तो वही कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यार मतलब एक अंदर से ना बहुत ब्लेस्ड वाली फीलिंग आ रही है यार, बस ऐसी आशीर्वाद बनाए रखे भगवान। यार हल्दी चौड़ का फाटक बंद है, काफी टाइम से हम यहाँ पे खड़े हैं, पता नहीं कब खुलेगा। सो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं रॉयल विंडसर। हम पहुंच चुके हैं अभी काट गोदाम पे, हमने रेलवे स्टेशन पार कर लिया है और हम शीतला देवी मंदिर पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हम पहुंच गए रॉयल विंडसर। मैं दिखाता हूं आपको आज का वेन्यू, तो मस्त मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी वाह पहाड़ों की वादियों में आके ना यार जो मज़ा आता है ना वो यार क्या ही बताऊँ, कहीं मज़ा नहीं है जो मज़ा यहाँ पे है ना भाई। जय माता रानी। सो फाइनली आ चुका है रॉयल विंडसर। सामने जो दिख रहा है जो वो है वाइट पेट, वो जो बिल्डिंग दिख रही है वही रॉयल विंडसर है। ये शोरूम के बाद ये है हमारा आज का वेन्यू प्लेस। तो गाइस बहुत नीचे तीसरे फ्लोर में है, हालत खराब हो गई हमारी। हमारे भी लिफ्ट से जाते थे तो पैदल आते थे ऊपर लिफ्ट से, देख सकते हो ये है रॉयल विंडसर। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है अभी डेकोरेशन, आप देख सकते हो पूरा हॉल खाली है, अभी थोड़ी देर में सारा भर जाएगा शाम के वक्त। और डेकोरेशन कुछ कुछ हमने कर दिया वहाँ पे, देख सकते हो प्यारा सा स्टेज बहुत प्यारा लग रहा है, अभी पूरा बना नहीं है, जब बनेगा तो दिखाऊंगा। और ये देखो प्यारी प्यारी सी गाड़ी है यहाँ पे, देखो ये देखो गाड़ी का हम कबाड़ ज़्यादा लग रहा है मुझे तो, लेकिन बच्चे को ये पसंद है। और देखो गाड़ी भी कहीं है, ये देखो एयरफोन लगा के गाड़ी चल रही, कोई बात होती है। और देखो इसको तो गजब ही गुस्सा आ रहा है, ये तिरछी नज़रों से देख रहा है। और ये देखो ये हुक लेके तैयार है भाई, ये देखो इसको सबसे ज्यादा तो ये देखो। तो ये है प्यारी प्यारी सी गाड़ियां हमारी जो आज लगने वाली है यहाँ पे। ये देखो हमारी प्यारी सी कार भाई, ये कार कम साला UFO ज्यादा लग रहा है मुझे तो। बलून्स ही बलून्स हो रहे हैं चारों तरफ, जहां जहां तक नजर पहुंचे वहां तक बलून्स बलून्स ओनली बलून्स। ये कुछ स्टेज इस तरीके का लग रहा है, अभी पूरा बना नहीं है, जब पूरा बन जाएगा तो लाइट लग जाएगी तब फाइनल आउटपुट आएगा। सेटअप कुछ इस तरीके का हो चुका है तैयार, देखो भाई ने लाइट का कनेक्शन दे दिया है, अभी देखो तब प्यारा लग रहा है। भाई बोर्ड नहीं चला, तो अभी बोर्ड लगाया नहीं है, ये भी चलेगा तो मज़ा आ जाएगा यार। फाइनली मेहनत सक्सेस हुई, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया, बस थोड़ा सा अभी इसमें वर्क बाकी है। तो क्या यहाँ पे देख सकते हो बलून बन के थे, उल्टे बलून ही हाइड्रोजन बलून हमारे गोदा, देखो कितने मस्त तरीके से कितने सारे बलून लेके आ रहे हैं। अरे को पहचान।
तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं, किसका गम कौन सा गम, सब हुजूर की बातें हैं। अरे ताली तो बजा दीजिए भैया। सो मैम, आपको कैसा लगा ये डेकोर? जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बेटर लगा। मिस आपके अंदर एक कुछ नया कर दिखाने की जो चाह है उसकी वजह से हम जो आपके ओर खींचे चले आए, और हमने कहा मिस स्पेशली मैंने बोला कि डेकोरेशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ आरडी इवेंट वाला ही चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या होता है कि जो भी गेस्ट आए वो भी काफ़ी खुश हो गए, और मैं खुश हुई हूँ पहले से, बिकॉज मैंने जब आपका इंस्टाग्राम में देखा था, एक होता है ना कुछ मतलब जो सजावट कर रहा है उसी को अच्छा करता है, और कुछ नया करने की कोई कोशिश करता है, कोशिश आपके अंदर है। सो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहिए, खूब नाम कमाइए, और खूब अच्छे अच्छे यूट्यूबर बनिए, और हमारा हमेशा आपके साथ है। थैंक यू मैम, थैंक यू। शादी या वो कुछ भी फंक्शन हो सगाई, तो सिर्फ और सिर्फ आरडी इवेंट वाला, और कोई भी नहीं। और डिस्काउंट भी बहुत अच्छा रहते हैं साथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लोकेशन, रॉयल विंडसर होटल। आप देख सकते हो कितना प्यारा है, अरे व्हाइट हाउस जैसा। मज़ा आ गया आज का, मतलब यार थोड़ा लेट हो गया लेकिन मज़ा बहुत आया। हमारा इवेंट काफ़ी अच्छा रहा, आप देख सकते हो होटल भी काफ़ी प्यारा है, मस्त है एकदम, बहुत प्यारा होटल है, विंटेज बिल्कुल, लाइटिंग झूमर सब कुछ बेस्ट है यहाँ पे। वेलकम के लिए बोर्ड भी लगा है, वहाँ के स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो यार डिनर चल रहा है, बहुत अच्छी भूख लगी थी तो मैंने डिनर ले लिया, काफ़ी प्यारा है, बहुत टेस्टी यार, मज़ा आ गया। एक तो बहुत ज़्यादा काम किया था इसलिए ज़्यादा भूख भी लगी थी, और साथ में था टेस्टी डिनर, तो यार कौन ना खाए, तो मैं टूट पड़ा हूँ। खाने के बाद बनाता हूँ ब्लॉग, देख लो लगाते मैं कितनी मेहनत होती है, और उतारते समय देखो हमें सिर्फ 10 मिनट लगा सारा उतार दिया। देख रहे हो अभी तक कितना प्यारा था ये स्टेज, अब देखो बेचारा कुछ भी नहीं बचा है, खाली बेचारा वॉलीबॉल लगी हुई है, बाकी हमारे दद्दा बड़े, और ये देखो पूरी हॉल खाली हो चुका है। तुम्हारा भाई कैची लेके कतले आम कर रहा है बलून का, कतले आम चल रहा है बलून का, देख रहे हो कैची, ये मजा आ रहा है। ऐसे ही होता है यहाँ, लास्ट में पहले फुलाओ लास्ट में फूलो। तो अभी करते हैं पैकिंग, और उसके बाद करता हूँ ब्लॉग शूट, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है, सब ऊपर भी जाना है, छूट आती है पैक होना। ये है लिफ्ट, मैं जा रहा हूँ नीचे को, ये खुलिया खुशियों का दरवाजा। भाई जब आप थके हो ना और लिफ्ट आपको मिल जाए तो यार ये खुशियों का दरवाजा होता है। भाई इतना थक गया था ना मैं, सीढ़ी से ऊपर नीचे कर गया, और लास्ट में लिफ्ट जब आती है ना, अरे हाय क्या सुकून मिलता है भाई यार, क्योंकि ना थर्ड फ्लोर है, सो देख रहे हो -3 नीचे बेसमेंट में, यार बेसमेंट में जाना है -3। हाय अभी बज रहा रात का 12:30 या 12 बज चुके हैं, आई थिंक 11:30 हो गया, तो निपटाते हैं अभी जाते हैं घर को। सो भाई लोगों, अभी सारा सामान हो चुका है पैक, और अब हम निकल रहे घर को। भाई जो सुकून मिल रहा है ना, क्लाइंट बहुत खुश थे, काफ़ी मज़ा आया पार्टी में, मज़ा आ गया, छोटा भाई थक गया है, तो अभी हम निकलते हैं घर को, और मिलते हैं कभी किसी और इवेंट पे, नई लोकेशन पे, तब तक बने रहिए आरडी इवेंट वाला के साथ। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।